Pokemon Zombie Apocalypse. हे गाइस, वेलकम बैक टू एक रैग्नारॉक गेमर। आज हम लोग बनाने वाले हैं पीवीपी राफ्ट, बोले तो वॉर राफ्ट। ये काफ़ी हेल्प करता है वॉर करने में, फाइट करने में या रेड करने में, ये काफ़ी हेल्प आता है। और हाँ, अगर आप किसी पे रेड कर रहे हो, उसका बेस पानी में, फॉर एग्जांपल कार्नो आइलैंड, हर्वी आइलैंड, इन पर अगर किसी का बेस है तो आप राफ्ट से उनके बेस को उड़ा सकते हो। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं राफ्ट, पीवीपी राफ्ट, और स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को यहाँ पे लगाना है फेंस फाउंडेशन, जिससे कि हम लोग लगा सकें फाउंडेशन। तो जिसको आता है वो थोड़ा स्किप करके देख सकता है, और जिसको नहीं आता है वो देख ले। तो यहाँ पे लगाना है हम लोग क्या कहते हैं इसको, सेल, सेल से चिपका कर लगाना है, और उसके ऊपर लगाना है पिलर। तो मैं पिलर लगा चुका हूँ, और यहाँ पे लगाना है फाउंडेशन। राफ्ट के चारों तरफ से फाउंडेशन लग जाएगा, जिससे कि ऊपर से भी और नीचे से भी अपना राफ्ट काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो इसको लगा देता हूँ, और हम इसको तोड़ना पड़ेगा, इसका कोई काम नहीं है। इसे भी तोड़ो और इसे भी तोड़ो, इसका काम हो गया, बस इसका काम यहीं तक था। और इसको फेंक दो, काफ़ी वेट हो रहा है। और यहाँ पर पूरे में लगा दो फाउंडेशन। अब इस सेल को आप हटा सकते हो, और इसके ऊपर लगाना है फेंस फाउंडेशन वापस से। तो पहले सेंटर में लगाना है, आप ये देख लो कैसे लगाना है। ये हो गया सेंटर में, और हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पे लगाना है दोनों साइड में। अब उसके बाद लगाना है कॉर्नर कॉर्नर में, सेंटर में लगाना है, इस तरह से आपको हर तरफ। बेसिकली आपको एक्स बनाना है, हाफ एक्स। तो मैं ले लेता हूँ फेंस फाउंडेशन, क्योंकि ख़त्म हो गया था। और हम लोग को फिर से सेंटर में लगाना होगा, बेसिकली हम लोग को हाफ एक्स बनाना है। तो ये देखो, ये हो गया। अब सेम इस साइड भी करना है। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग को लगाना है सेंटर में, और वापस से सेंटर में लगा देना है। यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप चाहे बना सकते हो, अदरवाइज़ छोड़ सकते हो। तो ये हो गया हर तरफ कंप्लीट। अब हम लोग को लगाना है फाउंडेशन वापस से इसके ऊपर। इसके नीचे आएगा टरेट, तो आपको देख के लगाना होगा। और सेम सेंटर में ही, जहाँ पे फाउंडेशन पहले वाला था, उसके ऊपर ही लगाना है। तो आप देख लेना। तो ये हाँ ठीक है, सेंटर में। अब इसके ऊपर आएगा टरेट, आपके पास ईरी टरेट हो तो लगा लेना, अदरवाइज़ आप नॉर्मल टरेट भी लगा सकते हो। ईरी टरेट से क्या होता है कि इसमें एक ही एमओ डालना पड़ता है, और नॉर्मल टरेट में इसमें आपको एमओ डालना पड़ता है, ईरी टरेट में एमओ ख़त्म नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और फाउंडेशन लगा लेता हूँ। ये बन गया फाउंडेशन, ले लेते हैं। और अगर आपको टरेट या कुछ भी एम्बर उम्बर चाहिए होगा, तो आप हाइपर सर्वर में आ सकते हो। और मैं अभी जिस सर्वर में खेल रहा हूँ, उस सर्वर का नाम है हाइपर एडमिन सर्वर। शायद हाइपर एडमिन सर्वर से चेंज हुआ है हाइपर इंडियन सर्वर में, तो आप वहाँ पे आ सकते हो, हाइपर इंडियन सर्वर ही है। और मैं पहले एडमिन था, तो एडमिन नाम आ गया। तो आपको फेंस फाउंडेशन के ऊपर लगाना है ईरी टरेट, ये देख लो, आपको इस तरह से लगाना है। और यहाँ पे भी लगाना है, हर साइड में लगाना है। और इसके ऊपर लास्ट लगाना है, एक सेकंड लास्ट एक और लगाना होगा अपने को यहाँ पे। ये हो गया कंप्लीट। ओके, ये हो गया। अब इसके ऊपर लगाना है फाउंडेशन, तीन तीन फाउंडेशन लगेंगे दोनों साइड। सेंटर में आपको छोड़ देना है, सेंटर में नहीं लगाना है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब सेंटर वाला जो लगाए थे लास्ट टाइम, उसको तोड़ना है, और यहाँ पर लगाना है ईरी टाइप, वापस से फाउंडेशन लगाना है। आप ये देखो मैं कैसे लगाता हूँ। ईरी टाइट ले लेता हूँ पहले, इसे रखो वापस, वो वेट हो रहा है। और यहाँ पे लेते हैं ईरी टाइट और लगाते हैं। यहाँ पे पहले अपने को फाउंडेशन लगाना होगा, फेंस फाउंडेशन लगाना होगा, सॉरी। ये हो गया कंप्लीट। आपको पूरा ऑप्शनल है, आप ऐसे भी लगा सकते हो।
अब इसके ऊपर लगेगा एडिटर, फिर इसके ऊपर लगेगा फाउंडेशन, ये हो गया कंप्लीट। अब इस फाउंडेशन के कॉर्नर में लगाना है, सेंटर में, मतलब यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे लगाना है फेंस फाउंडेशन, यहाँ पे अपने आएगा वॉल। तो ओके, ये लास्ट वाला लगा दिया है, अब इसके ऊपर लगाते हैं वॉल। वॉल लेके आते हैं, क्रिडिल के अंदर रखा हुआ है, तो इतना इतने से काम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को। और इसके ऊपर चलो लगाते हैं डबल लेयर वॉल। तो यहाँ पे एक ही लेयर, यहाँ पे लगाते हैं एक और फाउंडेशन, अब लग जाएगा डबल लेयर। इस तरह से चारों तरफ से लगा देना है, इससे क्या होगा, आप एनिमी के टरेट या एनिमी आपको मार नहीं पाएगा। यहाँ पे आएगा वॉल कह रहा हूँ, डोर आएगा। तो अपने पास डोर पड़ा हुआ है पर डोर फ्रेम नहीं है, तो डोर फ्रेम लेके आता हूँ, फिर मिलता हूँ। ओके, तो मैं डोर फ्रेम ले आया हूँ, और लगाते हैं इसको यहाँ पे एक, और ओ भाई ये तो गलत लग गया, वापस लेते हैं और लगाते हैं इधर, ये हो गया। अब इसके ऊपर लगाते हैं वॉल, उस वॉल कह रहा हूँ डोर, सॉरी, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग को लगाना है सीलिंग, तो सीलिंग इसके ऊपर आएगी, तो मैं सीलिंग ले आया हूँ, और यहाँ पे लगाना है सीलिंग। यहाँ से नहीं लग रहा है, अंदर जाना पड़ेगा, चलते हैं अंदर, और यहाँ से सीलिंग लगाते हैं। ये हो गया है एक, दो ही सीलिंग लगेगा बेसिकली, और जगह तो है ही नहीं, तो ये हो गया तीन, नहीं ये गलत लग गया, थोड़ा गलत लगा है। तो यहाँ पे लगाते हैं, ये क्या दब रहा है भाई बार बार, वो इसे लेते हैं अंदर और वापस लगाते हैं। ओके, तो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आएगा जनरेटर, ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप चाहो तो नॉर्मल लगा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे टैग लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल लगाने वाला हूँ, क्रिजिल के अंदर रखा हुआ था। ओके, तो मैं यहाँ पे ले आया हूँ टरेट, और टरेट कह रहा हूँ जनरेटर नॉर्मल जनरेटर लगाने वाला हूँ, ये हो गया। आपको सेंटर में लगाना है जिससे कि बाहर ना दिखे, नहीं तो एनिमी एक रॉकेट मारेगा या फिर ईडी टेक गन मारेगा, 2D आएगा, तो आपको सेंटर में लगाना है बिल्कुल। तो यहाँ पे लगा डाल देते हैं हम लोग फ्यूल, और इसको लगा ऑन कर देते हैं, ये लास्ट इसको लगा के इसको ऑन कर देते हैं। ओके, तो अपने जनरेटर को पावर मिल चुका है, इसको ऑन करते हैं, ये हो गया है। और हम लोग को एक और लगाना होगा, इससे पहले छत पे जाना होगा इसके, और यहाँ पे डबल लगाना होगा अपने को, क्या बोलते हैं इसको, पिलर के ऊपर आएगा टरेट, जिससे कि थोड़ा रेंज पे भी टरेट मार सकता है। तो यहाँ पे लेते हैं टरेट, इसके अंदर रखा हुआ है, तीन और बचे हैं, तो अपने को एक ही यूज होगा और ये लास्ट होने वाला है। तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट, इसको हाइप करते हैं और इसमें डाल देते हैं एमओ सब में डाल देता हूँ मैं, यहाँ से मैं एमओ डाल देता हूँ सब में, फिर मिलता हूँ आपसे। ओके, तो एमओ डाल दिया सब में, और अब हम लोग को नीचे काम करना है, हम लोग को नीचे भी दो टैरेट लगानी होंगी, जिससे कि कोई भी एनिमी आएगा तो नीचे से आएगा और डैमेज कर सकता है वो अपने रास्ते को, तो अपनी सेफ्टी के लिए तो नीचे दो लगेगा। और हाँ, नीचे तो गन चलती नहीं है, टैग गन चलती है, और बंदे को अगर मारना होगा, तोड़ना होगा टैरेट, तो उसको C4 का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर लगानी है सीलिंग पहले, फिर सीलिंग के ऊपर लगेगा बॉल, तो यहाँ पे कॉर्नर में लगेगा, और ये हो गया गलत लग गया था, तो यहाँ पे लगाना है। मैं जल्दी से इसे कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ, तो मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, तो अपनी राफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे एक रैंप लगाना भूल गया मैं, खैर इसको मैं बाद में लगा दूँगा रैंप, मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं इसमें बाद में लगा दूँगा रैंप। चलते हैं ऊपर, आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने किया है। तो पहले मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हो
नीचे मैंने लगा दिया है दो ईरी टैट, जिससे कि एनिमी नीचे आएगा तो भी ईरी टैट्स मारेंगी ईजिली। चलो इसको टेस्ट करते हैं काम करता है कि नहीं करता है। चलते हैं अंदर और राइट करते हैं। तो यहाँ पे ये अभी तो नहीं मार रही, हाँ काम कर रही है, काम कर रही है, सारी टैट्स काम कर रही है। तो आप इस तरह से बना सकते हो पीपी राफ्ट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।